सो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल डिफेंस रिक्रूटमेंट में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को जो इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट आने वाला है उसमें मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा और यूट्यूब पे जो कचरा फैला हुआ है उसके बारे में कुछ आपको फैक्टर्स बताऊंगा। सो गाइस, आपको जो पिछला ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जो पिछला इंटेक हुआ था जिसकी कट ऑफ एक्स ग्रुप की 43 गई थी एंड वाई ग्रुप की 29.25 गई थी, आपको फ़ायदा याद होगा। जो मतलब पुराने कैंडिडेट हैं उनको तो 100% याद होगा। ओके गाइज, तो पिछला इनटेक ऐसा कुछ हुआ था कि जो कई सारे मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं इन मतलब इन टॉपिक के ऊपर, जो एयरफोर्स और नेवी फिर डिफेंस से रिलेटेड जो वीडियोज होते हैं, जो इन पर वीडियोज बनाते हैं, तो वो लोग करते क्या हैं कि जिसे पिछला इनटेक हुआ था तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बता रहे थे ये लोग कुछ बता रहे थे 33। अगर जो आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो जाओ सिंपली से मतलब आपको सर्च कर लेना है, आपको पता है कैसे क्या सर्च करना है, तो आपको वो वीडियो जाएंगे जो पिछले कट ऑफ के एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ थी वो कुछ इस प्रकार बताई जा रही थी 33 to 35, 30 to 36, 32 to 38, मतलब कुछ भी आके कुछ भी बना दे रहे थे। मतलब मुझे अगर जो यहाँ पे बनाना होता कि एयरफोर्स की इस बार की कट ऑफ कितनी जाए थी, तो मुझे एक कट मतलब एक स्लाइड लेनी थी और उसमें कुछ भी एडिट करके, जैसे एक्स ग्रुप की मैं बता देता कि 42 to 45 जाएगी, वाई ग्रुप की 30 to 38 जाएगी। तो गाइस, मतलब हुआ ये था कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही थी ना पिछली बार, वो दरी की दरी रह गई थी और अल्टीमेटली चली गई थी 43 एक्स ग्रुप की। मतलब जो एक्स ग्रुप की कम बता रहे थे वो 43 पहुंच गई और वाई ग्रुप की जो ज़्यादा बता रहे थे ऑलमोस्ट 33 to 35 बता रहे थे वो पहुंच गई अल्टीमेटली 29.25। आप लोगों को पता होगा। और इस बार का खेल क्या हो रहा है, किसी को गाइज एनालिसिस नहीं करना होता यहाँ पे, मतलब कुछ भी आके बना दे रहे हैं वीडियो, अपनी शक्ल उठाई, एक मतलब एक इस प्रकार की स्लाइड उठाई मेरी जैसी, उसमें आपको एडिट करके लिख दिया। मैं भी यहाँ पे कुछ लिख के मतलब चला जाता, ठीक है, और आपको कुछ भी बता देता। एंड इस बार क्या हो रहा है जानते हो, जो पिछला इनटेक हुआ था ना एक्स ग्रुप के, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ एक्स ग्रुप, ओके, वाई ग्रुप को मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा यार, उसका मतलब इसी के हिसाब से आप समझ लेना, ठीक है। तो मतलब वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो जैसे इस बार की 43 गई है, तो आप इस बार का कट ऑफ आप देखोगे ना, जो मतलब यूट्यूब पर वीडियोज पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर क्या बताएंगे इस मतलब 43 के आसपास वाले, कुछ एनालिसिस नहीं करना है, बस आना है मुँह उठा के बना देना है 41 जाएगी, 45 जाएगी, 39 जाएगी, 44 जाएगी, मतलब 43 के आसपास वीडियो मतलब कट ऑफ बना दे दें उनको, ठीक है। बट यार एनालिसिस की मतलब एनालिसिस जो वर्ड है ना उसका कुछ प्रयोग होता है और वो लोग ये कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे अब मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में आपको कट ऑफ तो कतई नहीं बनाऊंगा। अगर जो मेरे पे विश्वास आपको नहीं है तो ये वीडियो क्विट करिएगा और यहीं से मतलब उन वीडियोज़ को देखिएगा जो मतलब आपको सेटिस्फाई करने के लिए बना रहे हैं, ठीक है, वो आपको सेटिस्फाई कर देते हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी उतनी कट ऑफ जाएगी। बस कुछ मतलब फैक्टर भी होते हैं, मैं आपको पहले फैक्टर बता देता हूँ कौन कौन। मेरा कहने का मतलब ये है कि एयरफोर्स की जो कट ऑफ है इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, मोस्टली इन्हीं तीन पर डिपेंड करती है। अगर जो मैं एक पॉइंट अगर जो और ऐड करना चाहूँ तो वो वैकेंसीज पर डिपेंड करता है, बट एयरफोर्स की जो वैकेंसीज है वो कॉन्स्टेंट होती हैं। एंड अगर जो इन तीनों की मैं बात करूँ तो फर्स्ट है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे एग्जाम में, और फिर है कि अटेम्प्टेड क्वेश्चन पर कैंडिडेट, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्यूरेसी। तो मैं आपको बता दूँ इस बार का जो मतलब गेम हुआ है, तो इस बार मतलब प्रेफर कैंडिडेट ज़्यादा थे और जो एक्सपीरियंस वाले थे बच्चे या कैंडिडेट वो तो वो काफ़ी सारे तो ऐसे कैंडिडेट थे जिनका मतलब ओवर एज हो चुके थे, क्योंकि एक रैली के द्वारा एक चांप तो उन्होंने गायब ही कर दिया बीच से। तो ये गेम आप लोग कुछ समझ रहे होंगे जो मैं बताने के सोच रहा हूँ। तो गाइस यही फैक्टर हैं जो मतलब एयरफोर्स की कट ऑफ को डिफाइड करते हैं कि कट ऑफ किस पे मतलब कितनी जाएगी। ओके गाइस, तो अब मैं बता दूँ, पर जो मैं मान लेता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी 42। ओके गाइस, चलो उन वीडियो की मैं एक बार एयर एज्यूम करता हूँ कि मान लिया कि मैंने एयरफोर्स वैक्स ग्रुप की 42 कट ऑफ जाएगी, गई नहीं इतनी जाएगी। ओके गाइस, तो उनका क्या होगा, जो 0.5 पे रुक जाते हैं, 0.25 पे रुक जाते हैं, 0.75 पे, और कोई कोई तो एक नंबर पे रुक जाता है, तो उनका क्या होगा, आपका जो
एक्सपेक्टेशन था वो तो बेकार हो गया ना। तो गाइज मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग, चलिए आप लोग खुद ही मुझे बताओगे कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट करना है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और आपकी एक्यूरेसी कितनी थी। ओके गाइज, एंड कितने क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, मतलब आपको एज्यूम करके बताना है कि आपके नंबर कितने तक आ सकते हैं। ओके गाइज, तो आप पे अच्छी कट ऑफ तो कोई गाइज निकाल ही नहीं सकता भाई। वो क्या कट ऑफ निकालेंगे जिन्होंने तो पेपर ही नहीं दिया, कि कोई कोई तो ऐसा इसमें पेपर ही नहीं दिया कभी। ओके गाइज, तो आप लोग खुद पे विश्वास रखिए, ना कि उन बातों पे कि यार आपने कर, आप मान लो कि आप 50 करके आए। ओके गाइज, अगर जो आपके 10 भी गलत हो जाते ना, तो 10 तो ये चले गए, तो 40 बचे और 2.5 नंबर उधर पे चले गए। 1.1 फॉरी गाइज 1/4 की कट ऑफ लग जाती है, तो आप जोड़ सकते हो कि मतलब आपके नंबर कितने बचेंगे। ओके गाइज, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है और कितनी, मतलब आपका मतलब कितना नंबर आया है उसमें, जोड़ घटा के बताइएगा कि इतने मेरे गलत हुए हैं, इतने नंबर मेरे आ सकते हैं। ओके गाइज, जय हिंद। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए थैंक्स।